बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम व्यूवर्स टू आवर न्यू वीडियो ऑफ कैलकुलस। आज की वीडियो में हम कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वी विल बी एबल टू आंसर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कैलकुलस एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाई वी स्टडी कैलकुलस। वेल, कैलकुलस इज़ ए मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, और वी कैन से दैट Where there is change, there is calculus। जहाँ अपने surrounding में हमें कहीं change नज़र आती है तो वहाँ calculus ज़रूर involve होगी। Like हम अपनी position change करते हैं time के लिहाज से, बहुत सी moving bodies हैं वो अपनी position change कर रही हैं surrounding के लिहाज से, time के लिहाज से। Temperature लम्हा बलम्हा change हो रहा है, star की position हर वक्त चेंज होती रहती है। कैलकुलस वाज डेवलप इन द 17th सेंचुरी टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स डैट इन्वॉल्व मोशन। देयर वाज टू फेमस मैथमेटिशियन, उनमें से एक का नाम था गॉटफ्राइड लेबनिस, हु लिव्ड बिटवीन 1646 टू 1716, एंड द अदर वन was Isaac Newton and he lived between 1642 to 1727। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को डिवेलप किया। लेबनिस वाज फ्रॉम जर्मनी, जबकि Isaac Newton इंग्लिश मैथमेटिशियन था। न्यूटन ने पहले कैलकुलस को डिवेलप किया इनिशियली, उसके बाद लेबनिस ने कुछ नोटेशंस क्रिएट की जो आजकल भी हम यूज़ करते हैं। देर आर सो मैनी मैनी एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलस आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस इन डिफरेंट डिसिप्लिनस लाइक फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। अगर फिज़िक्स में हम देखते हैं तो कैलकुलस की एप्लीकेशन हमें नज़र आती है मोशन में, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, हार्मोनिक्स, अकॉस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डायनामिक्स एक्सेट्रा। अगर हम एडवांस फिज़िक्स की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है कैलकुलस की। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री में हम देखते हैं, कैलकुलस इज़ यूज टू प्रिडिक्ट फंक्शन सच एज रिएक्शन रेट्स एंड रेडियो एक्टिव डीके। अगर हम बायोलॉजी में देखें, कैलकुलस कैन बी यूज टू यूटिलाइज टू फार्मूलेट रेट्स सच एज बर्थ एंड डेथ रेट्स, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इज़ टू डिटरमिन द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। जैसे कि आजकल अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अगर हमने देखना है कि ये किस रेट से ग्रो कर रहा है तो देन वी नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव्स। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो कैलकुलस को हम यूज़ करते हैं टू कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कैलकुलस इनेबल करती है एक इकोनॉमिस्ट को टू प्रिडिक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट इन स्पेसिफिक बिजनेस आर सेटिंग। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ कैलकुलस, द वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द अदर वन इज कॉल्ड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस डिटरमिन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी by use of derivatives or differentials, whereas integral calculus finds the quantity where the rate of change is known। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि integration is actually the reverse process of differentiation, and the derivative is the slope of a line on a graph represents line on a graph, whereas the integral calculus is used to figure the total size or volume such as length,
एरियाज इन वॉल्यूम्स। व्यूअर्स, यहाँ पर जो नोट करने की इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। जैसा कि हमने बताया कि ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस कट्स समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस टू फाइंड इट चेंजेस, वेयर एज इंटीग्रल कैलकुलस जॉइंस आर टू सम आर टू इंटीग्रेट the small pieces together to find how much there is. Viewers, हम अपने calculus के course में जो important topics हैं जिसको focus करेंगे around which calculus build are functions, limit and continuity, differentiation and integrations. इन टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले हम कुछ प्री कैलकुलस डेवलप करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस। ओके, देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।